द टीवी के दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और अपडेट, जहां पर आज हम आपको संगरूर जिले के इस एक्सप्रेसवे के अपडेट के बारे में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप आने वाली कोई भी अपडेट को मिस ना करें। तो चलिए एक्सप्रेसवे पर चलते चलते सफर को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये एक्सप्रेसवे कौन कौन से विलेजेस और हाईवेज को क्रॉस करेगा। सबसे पहले यहाँ इस हाईवे पर आप देख पा रहे हैं, ये हाईवे क्रॉस करेगा पाटना पटियाला रोड को। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये है इस हाईवे का एंट्री और एग्जिट पॉइंट, या फिर आप इसको इंटरचेंज पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम ड्रोन से समझने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ से इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। तो चलिए ड्रोन को घुमाते हैं और अब चलते हैं कटरा की तरफ। तो ये एक्सप्रेसवे पर जहां से आप एंट्री इस तरफ ले पाएंगे वो है विलेज बरस, और उसके ऑपोजिट साइड में आता है विलेज कग्गा। यहाँ पर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अभी जारी है और अब हम इस एक्सप्रेसवे पर ड्रोन की नजर से आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक्सप्रेसवे कौन कौन से विलेजेस को और हाईवेज को क्रॉस करेगा। यहाँ ये एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। ये एक्सप्रेसवे 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसे जरूरत पड़ने पर 8 से 12 लेन तक का बनाया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के साथ कोई भी सर्विस रोड नहीं बनाई जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है वेहिकुलर अंडरपास, जो गांव के यातायात को संचालित रखने के लिए बनाया गया है। तो चलिए इस एक्सप्रेसवे पर और आगे बढ़ते हैं और आपको इसकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। अब आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देख पा रहे हैं, रोड पर रोड मार्किंग का काम काफी जगहों पर पूरा हो चुका है और राइट हैंड साइड पर अभी रोड मार्किंग का काम बाकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है वेहिकुलर अंडरपास और ये है LVUP, यानी के लाइटर वेहिकुलर अंडरपास। एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ते हुए हम देख पा रहे हैं यूटिलिटी कॉरिडोर, और उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं, ये है यूटर्न, जिसे इन केस ऑफ इमरजेंसी ही खोला जाएगा। एक्सप्रेसवे पर अब आगे बढ़ते हुए हम देख पा रहे हैं ये बड़ा सा ब्रिज, जिसके नीचे से होकर गुजर रहा है वाटर चैनल और साथ में गांव की सड़क। यहां पर आप निर्माण कार्य होता हुआ भी देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कॉरिडोर के बीच खाली जगह में पेड़ पौधे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के तहत लगाए जाएंगे, जिससे लगाए गए पेड़ पौधों को समय समय पर पानी मिलता रहेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अभी इस कॉरिडोर पर निर्माण कार्य चल रहा है। जिन गांव को होता हुआ ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, क्या कभी किसी ने सोचा भी था कि यहां से इतना बड़ा एक्सप्रेसवे, जो कि अभी तो 6 लेन है, लेकिन उसको जरूरत पड़ने पर एक साइड 6 लेन बनाया जा सकता है, यहां बनाया जाएगा। इन गांव को एक नई पहचान मिलेगी। पहले के समय में इन गांव से नेशनल हाईवे तक पहुंचना भी बहुत कठिन हुआ करता था, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के यहां पर आ जाने से ना सिर्फ गांव वालों को मदद मिलेगी, बल्कि इनके कारोबार में भी इजाफा होगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से ना सिर्फ यहां पर रोजगार बढ़ेगा, बल्कि आप सभी को
यहाँ इस एक्सप्रेसवे पर पंजाब में नई अपॉर्चुनिटीज खुलती हुई भी नजर आएंगी। इस एक्सप्रेसवे से पंजाब के टूरिज्म को भी एक नई पहचान मिलेगी, जहाँ पर आप इस एक्सप्रेसवे से ना सिर्फ दिल्ली जा सकते हैं बल्कि एक्सप्रेसवे आपको लेके जाएगा कटरा, अमृतसर, और हाँ इस एक्सप्रेसवे से ही जाकर आपको होंगे पावन दर्शन गोल्डन टेम्पल के भी। जहां पर हमने जिक्र किया कि ये एक्सप्रेसवे आपको कटरा लेकर जा रहा है, तो इस एक्सप्रेसवे से होते हुए आप माता वैष्णो देवी के दर्शन भी करने के लिए इस एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं, जहां पर अब आपका दिल्ली से कटरा तक का सफर मात्र 6 घंटे में आप तय कर पाएंगे। यहाँ एक्सप्रेसवे को आप एक बड़ा ब्रिज बनते हुए भी देखेंगे, जहां पर ये ब्रिज के नीचे से एक ड्रेनेज निकल रहा है, यहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। और अब ये एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है विलेज मुंशीवाला को, और थोड़ा आगे बढ़ते ही हमारे दाहिनी ओर पर ये है विलेज सिहाल। इसे NE5 यानी नेशनल एक्सप्रेसवे 5 के नाम से जाना जाएगा। ये नेशनल एक्सप्रेस 5 लुधियाना रूपनगर, लुधियाना भटिंडा, लुधियाना जामनगर और दिल्ली के UER2 से भी कनेक्ट करेगा, जिससे आपका दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना और भी आसान हो जाएगा। इसके साथ ही ये एक्सप्रेसवे दिल्ली KMP से भी कनेक्ट करेगा, जहां से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जा सकते हैं। यानी के ये एक्सप्रेसवे सिर्फ दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि आपको पूरे भारत से जोड़ता है। इस वीडियो में दिखाए जा रहे आज के एक्सप्रेसवे के करीबन 30 किलोमीटर के इस पैच को बनाने का काम शिव बिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर रही है, जिन्होंने इस एक्सप्रेसवे को आप तक पहुँचाने में हमारी बहुत मदद की है। एक्सप्रेसवे पर जहां आप अंदर की ओर ये खाली जगह देख पा रहे हैं, एक्सप्रेसवे के बाहर की ओर भी आपको एक बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही है, जहां पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यहां लैंड एक्विजिशन का काम पहले ही पूरा हो चुका है, जहां पर जरूरत पड़ने पर इस एक्सप्रेसवे को एक्सपेंड भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए अब हम क्रॉस कर रहे हैं, ये है विलेज सफीपुर खुर्द, और अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये एक और बड़ा ब्रिज आप देख पा रहे हैं, जहाँ नीचे से विलेज की रोड निकल रही है। आगे बढ़ेंगे और हमारे दाहिनी ओर पर आएगा विलेज सफीपुर कला। इन विलेजेस, वहीकुलर अंडरपासेस, यू टर्न्स को देखने के बाद आगे बढ़ते हुए हम देख पा रहे हैं इन सुनहरे खेतों को, और अब से कुछ दिनों बाद ही हम बैसाखी का पावन पर्व भी मनाएंगे, जहां पर पूरा पंजाब बैसाखी को काफी धूमधाम से मनाता हुआ दिखाई देगा, जहां पकी हुई फसल को काटा जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे पर खेतों का नजारा हमें ये याद दिलाएगा कि हमारा पंजाब कितना खूबसूरत है, इसकी मिट्टी की सौंधी खुशबू कितनी पावन है। आधुनिक तकनीक से लैस इस एक्सप्रेसवे पर जब आपकी गाड़ियां दौड़ेंगी तो सचमुच सफर यादगार होगा, और इस सफर में 4 चांद लगाएगा हमारे साथियों का साथ, हमारा परिवार, दोस्त या हम सफर। कमेंट में उन सभी को टैग कीजिए जिनके साथ आप इस एक्सप्रेसवे पर ये सफर करना चाहते हैं। वीडियो में पहले जैसा हमने आपको बताया कि इस एक्सप्रेसवे के बीचों बीच यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, तो यहाँ पर अब आप इस एक्सप्रेसवे के बीचों बीच इन पेड़ पौधों को अंकुरित होता हुआ भी देख पा रहे हैं, जो आपको बहुत ही जल्द एक बड़े पौधे के रूप में भी नजर आएंगे,
जो ऑपोजिट साइड से आती हुई तेज रफ्तार कारों की हाई बीम लाइट से भी आपको बचाएगा। और ये देख पा रहे हैं आप यू टर्न, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है विलेज कमलपुर। और हमारी दाहिनी ओर अब हम देख पा रहे हैं विलेज घनौर राजपुता। इस बड़े से ड्रेनेज को और इस वेहिकुलर अंडरपास को क्रॉस करता हुआ ये एक्सप्रेसवे आगे बढ़ रहा है, जहां निर्माण कार्य अभी जारी है। एक्सप्रेसवे को बनाने के पीछे एक बड़ी टीम होती है। हमें सुविधा प्रदान करने के लिए कई लोगों ने दिन रात मेहनत की है। इंजीनियर से लेकर लेबर भाई बहनों तक सभी का दिल से शुक्रिया। और शुक्रिया टू द रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमारे भारत की एक्सप्रेसवे की, या फिर यूं कहें कि रोड्स की शक्ल बदल कर रख दी, जहां पर आज हमें अच्छी सड़कों और आधुनिक तकनीकों का लुफ्त उठाने के लिए विदेशों में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि हमारे देश की लेबर को क्या आप भी सुपर हीरोज मानते हैं। एक्सप्रेसवे पर अपना सफर जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख पा रहे हैं कि ये एक्सप्रेसवे कितने ही वेहिकुलर अंडरपासेस, यूटिलिटी कॉरिडोर्स को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ रहा है, जहां पर अपने लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख पा रहे हैं सेफ्टी रेलिंग का काम यहां पर जारी है। अब ये एक्सप्रेसवे जिन विलेजेस को आगे क्रॉस करने वाला है वो है दयालगढ़, जेजिया, और उसके साथ दाहिनी ओर ये विलेज क्रॉस करेगा बासीरक। द टीवी में हम हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको पंजाब में बन रहे नेशनल एक्सप्रेसवेज के बारे में आपको एक डिटेल और कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ ही ना सिर्फ पंजाब बल्कि हमारी कोशिश है कि पूरे भारत में हो रहे तरक्की भरे निर्माण कार्य आप तक पहुँच सके, जिससे आपको पता चल सके कि हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है, हमारे देश में कितना विकास हो रहा है, जहां आज हमारा देश एक विकसित देशों में शुमार हो चुका है। इसके लिए हमारी टीम को आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। आप हमारी मदद कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके और वीडियो पर कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे अपडेट्स आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। अब एक्सप्रेसवे पर आप देख रहे हैं ये है यू टर्न। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये एक्सप्रेसवे पर सिर्फ इमरजेंसी के दौरान ही खोले जाएंगे। कमेंट से एक और बात याद आई, आप हमें कमेंट के जरिए ये जरूर बताइएगा कि आप द टीवी पर और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, किन टॉपिक्स के ऊपर आप डिटेल वीडियोस चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उन टॉपिक्स पर हम आप तक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए इस एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ते हैं, जहां पर अभी ये एक्सप्रेसवे खेत खलियानों से होता हुआ आगे जिस विलेज की ओर बढ़ रहा है वो है विलेज घनौर चट्टा और रामगढ़। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस एक्सप्रेसवे को ब्रिज के रूप में काम करते हुए, जिसके नीचे से नहर होती हुई गुजर रही है। तो चलिए आगे का सफर आपको गाड़ी की नजर से दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइन बोर्ड्स का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, डिवाइडर्स भी यहाँ पर लग चुके हैं। और अब ये विलेजेस को क्रॉस कर रहा है वो है कपियाल और रेतगढ़। यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर अब आपको कुछ ही दूरी पर दिखेगा साइन बोर्ड, जो कि आपको बता रहा है कि अब आप कुछ ही मिनटों बाद रेस्ट एरिया के लिए भी रुक सकते हैं, जहां पर आपको पेट्रोल पंप, टॉयलेट्स,
फूड कोर्ट्स, चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ते हुए हम देख पा रहे हैं हमारे बाईनी ओर एक और साइन बोर्ड हमें बता रहा है कि रेस्ट एरिया अब मात्र 500 मीटर दूर है। इसके बाद अब ये एक्सप्रेसवे जिन विलेजेस को क्रॉस करेगा वो हैं झनेरी और रामपुरा, जहां से आपको इस एक्सप्रेसवे पर रेस्ट एरिया के लिए एंट्री और एग्जिट मिलेगी। आगे यहां पर आप देख पा रहे हैं साइन बोर्ड जो आपको बता रहा है कि एक्सप्रेसवे पर चलते हुए अब आप बाईनी ओर संगरूर और मानसा के लिए मुड़ सकते हैं, जो कि आपको ले जाएगा स्टेट हाईवे 12 के पास। चलिए आगे बताते हैं स्टेट हाईवे 12 के बारे में आपको, कि ये कैसे और कहां से आपको इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये विशाल एंट्री और एग्जिट आपके लिए बनाया गया है, कि जैसे अगर आप जम्मू से यहां आ रहे हैं तो आप इस रैंप के जरिए संगरूर और मानसा के लिए यहां से एग्जिट ले सकते हैं, जो एग्जिट आपको ले जाएगी स्टेट हाईवे 12 की ओर। उसी तरह से आप यहां से एंट्री भी ले सकते हैं इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए, जहां से आप एक ओर दिल्ली और एक ओर कटरा की तरफ जा सकते हैं। यहां पर आपको इस एक्सप्रेसवे का एंट्री और एग्जिट के लिए टोल प्लाजा भी मिलेगा। और ये है स्टेट हाईवे 12A। तो याद रखिए, संगरूर वाले यहाँ से एंट्री और एग्जिट इस एक्सप्रेसवे पर ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरफ भी एक ये रैंप क्रिएट किया गया है। इन एंट्री और एग्जिट रैंप के आसपास आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी निर्माण कार्य जारी है। तो ये स्टेट हाईवे आपको एक तरफ ले जा रहा है सुनाम की ओर, और एक तरफ आप इस स्टेट हाईवे से भवानीगढ़ की ओर जा सकते हैं। और इस स्टेट हाईवे के ऊपर से गुजरेगा हमारा NE5, यानी कि नेशनल एक्सप्रेसवे 5। और ये एंट्री और एग्जिट जहां पर आपको मिलने वाली है, ये आपको मिलेगी विलेज रोशन वाला और फग्गू वाला के बीचों बीच। आगे जब हम इस एक्सप्रेसवे पर बढ़ेंगे तो ये एक्सप्रेसवे NH7 को क्रॉस करेगा, जो NH7 भटिंडा और चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है। NH7 के ऊपर से होता हुआ NE5 गुजरेगा। और हाँ, याद रखिए कि आपको एक्सप्रेसवे की एंट्री स्टेट हाईवे 12A से ही मिलने वाली है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए द टीवी, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।